सत्य सत्य प्रेम और करुणा। वेद व्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में जिसकी स्तुति गाई है, जिसको भगवान कहा है, और देखिए बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या वो बोलता है। मानते हो ना आपके भगवान है? मानते हो या नहीं मानते? कौन कौन मानता है हाथ उठाना। कहाँ है, कहाँ है? अंदर, मंदिर जो मन के अंदर है। तो वेद व्यास जी ने भागवत में भगवान को कोई नाम नहीं दिया, भगवान को कोई नाम दिया है, भगवान का नाम सत्य कहा है। क्या कहते हैं वेद व्यास जी? सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान को कोई नाम व्यास जी ने दिया है तो सत्य नाम दिया है। क्या दिया है? अब बताइए, आप कथा में आए हो, क्या पाने आए हो? क्या चाहिए, क्या चाहिए भगवान? किस किस को चाहिए हाथ उठाना। तो ऐसा तो है नहीं कि जाते समय प्रसाद के साथ आपको भगवान को दे देंगे। अगर भगवान को पाने आए हो तो अपने अंदर डुबकी लगानी होगी। हरि कीर्तन के साथ ही हम कहते हैं आंखें बंद करके बैठ जाइए। तो व्यास जी ने जिस भागवत को आप सुनने आए हो, जिस भगवान को पाने आए हो, उस भगवान का नाम सत्य कहा। क्या नाम दिया है? सत्यम परम धीमहि, सत्यम व्रतम, सत्यम त्रिसत्यम, सत्यम से योनि निहितम च सत्ये। जब कोई मर जाता है, गांव में किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा है? देखा है ना? यही तन, यही आंखें बंद हो जाती है, किसी की आंखें खुली रह जाती है, लेकिन ये जो तन जिसे तू विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खिला खिला कर और शरीर को सजा रहा है, वो सत्य जब निकल जाता है तो ये तन माटी हो जाता है। होता है या नहीं होता? होता है। बस हमें उसी सत्य को जानना है। सत्य क्या है भाइयों, मेरी माताओं? सत्य क्या है? सत्य ना कभी मिटता है, ना कभी नष्ट होता है, जो शाश्वत रहता है। जिस तन को तू अपना मानती है वो माटी हो जाएगा, जिस घर को तू अपना मानता है वो पहले तेरे दादा दादी परदादा सास ससुर का था, आज तेरा है, कल बेटा बेटी पोता पोती का हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जिस तन को तू अपना मानता है तो उस तन को तुझे संसार में कौन लेके आया है? बोलिए ना, बताइए ना, कौन लेके आया आपको? माँ ने जन्म दिया, माँ बाप आपको संसार में लेके आए, जन्म दूसरे ने दिया, और संसार की इन क्रियाओं को जो परमात्मा ने प्रारब्ध रूप में आपको दी हैं, जब तू करके जाएगा तो कुछ लकड़ियां, कुछ उपले लेकर इस तन को माटी भी इस संसार के लोग ही बना देंगे। तो बता तेरा तुझ में है क्या? क्या है तेरा? जिन दो पैरों को तू कहता है ये मेरे हैं, जिन दो हाथों को तू कहता है मेरे हैं, लेकिन ये किसी और का है, और उसने तुझे एक धर्मशाला बनाया है, उसे उसने तुझे छठी जल पावक गगन शरीरा, पंच रतन जल अधम शरीरा बोलना पड़ेगा महाराज। व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्य है, और वो सत्य कहाँ रहता है? चित्त में रहता है। कहाँ रहता है? कहते हो ना भगवान यहाँ रहता है। सत्य कहाँ रहता है? चित्त में रहता है। और जिसके जीवन में उस सत्य को सत्यता से ही पाया जा सकता है। मतलब कलश उठाए ठीक, भागवत का सुंदर आयोजन किया ठीक, गाय की कृपा से, कमेटी के मेहनत से, परमात्मा की कृपा से सत्य स्वरूप भगवान को जानने के लिए कथा ही है, तो आपको सत्यता से ही बैठना पड़ेगा, उस सत्य के साथ बैठना पड़ेगा जो सत्य आपके अंदर है। मुझे आपका तन नहीं चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? मुझे केवल आपका मन चाहिए। और कथाओं में बैठते हो, कथा समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि तुम कथाओं में बैठते हो। जिस दिन कथा तुम्हारे अंदर बैठेगी उस दिन कथा समझ में आएगी। साधो ये मुर्दों का देश है, पीर मरही पैगंबर मरही, मरही जिंदा जोगी, राजा मरही प्रजा मरही, मरही वैद्य और जोगी, राम नाम अनंत रहता है, दूजा तत्व ना कोई। इसलिए एक बार बोल दो, जोर से बोलना है, बरसात होगी, भागवत की बरसात होगी, हो रही है हर वर्ष।
बरसात का पानी तन को भिगोता है, किसी को अच्छा भी लगता है लेकिन किसी को बुखार भी आ जाता है, क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि वो उसके शरीर की योग्यता है। जिस योग्यता के साथ तुम कथा में बैठोगे, अगर चप्पल चुराने के लिए बैठे हो तो कोई नहीं रोक सकता, अगर प्रसाद के लिए बैठे हो तो वो भी लेके जाओगे, लेकिन जो तन की शुद्धि बुलाकर मन को कथा में लगाकर बैठता है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। और जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब सोचना आपको है कि संसार में रह के ये बार बार आना है जाना है या उस सत्य को जानकर अपने आप को अमर बनाना है। पानी, ये संसार एक पानी है, बोलना पड़ेगा महाराज। और सत्संग भगवान को जानने के लिए एक रास्ता है, बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन हमारी कथा, हम आपके साथ व्यापार नहीं करते, हमारी कथा केवल आपको सत्य प्रेम करुणा देगी। लेकिन उस सत्य की खोज में बैठोगे, उसके प्रेम में बैठोगे और सबके प्रति करुणा दिखाकर बैठोगे तो यहाँ से कुछ लेकर जाओगे, वरना खाली हाथ आए और खाली हाथ है।